क्या नाम है आपका? मेरा नाम जग्गू ध्रुव है। पिता का नाम? सामने देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तालाब की गहराई वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। डीजल कम है भाई। बने चकन बच्चे पर चक्कम सब लंडा दिखे रानी क्लिनिक प्लस में मुन मिसे रानी। उसके बाद किशन सेन की आवाज में सुनाएंगे दबा बल्लू दबा 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 रे बल्लू। और देखते हैं कि ये तो बड़ा ही हैवी ड्राइवर है, लेकिन देखते हैं कि ऊपर चढ़ा पाता है कि नहीं कि ट्रैक्टर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शंकर दीवान, आप सबका स्वागत करता हूं आज के मेरे न्यू व्लॉग में। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर और मैं हूं मेरे गांव तरफ नदी की ओर, मतलब ये तालाब साइड में अपन आए हैं तीनों जने, पोखन जग्गू और मैं, और इसको तो जानते ही हो ये मेरे शॉर्ट फनी वीडियो का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों हम लोग आए हैं यहाँ तालाब के मेड़ में खड़े हुए हैं, और हम लोग क्यों आए हैं ये मोटरसाइकिल धोने के लिए, मतलब गाड़ी धोने के लिए। और उधर खड़ा है महिंद्रा 415 DI, मतलब महिंद्रा ट्रैक्टर की धुलाई करने के लिए। और ये दोनों जने, ये मालिक है महिंद्रा ट्रैक्टर का जग्गू ध्रुव। चलते हैं। गाड़ी की धुलाई चालू करते हैं। क्या है, शोरूम में जाने के बाद में 50 रुपए तो गाड़ी धुलाई का, उससे अच्छा है खुद थोड़ा सा मेहनत कर लो 10 मिनट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या? है ना। और 50 रुपए का मंजन गुटका कर लेते हैं भाई, बचता है तो। कैसे जग्गू? तो चलिए दोस्तों ब्लॉग पर बने रहिए। दोस्तों यदि आपको नहीं पता है कि मेन स्टैंड में गाड़ी को कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले जो मेन स्टैंड होता है उनको नीचे दबाना है, और नीचे दबाने के बाद में ये थोड़ा सा पीछे खींचना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हो गया मेन स्टैंड में अपना गाड़ी खड़ा हो गया, आप सीधा अपन धुलाई चालू करेंगे। दोस्तों बता दूं कि मेरा जो बाइक है सीबी साइन 125, 4 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। अब दोस्तों आप थोड़ा सा ट्रैक्टर में पानी डाल देते हैं, क्योंकि जितना भी मिट्टी है वो सूख चुका है, वो कम से कम गीला होगा। उसके बाद फिर इसको भी शैम्पू से धुलाई करेंगे। और देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर का मालिक है जग्गू राम ध्रुव, वो काम में लग चुका है। तो चलिए इनसे थोड़ा सा पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि गाड़ी धुलाई ट्रैक्टर धुलाई करने में इसको कितना मजा आ रहा है। तो जग्गू थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जग्गू ध्रुव। तो क्या नाचो भाई? पिता का नाम? मत पूछ भाई, क्या मत पूछ। ठीक है, तो आप ये ट्रैक्टर धुलाई का काम कितना साल से कर रहे हैं? कितना साल हो गया आपको? करीबन 4 साल से भाई। 4 साल हो गया। सैलरी कितना है आपका अभी? मेरी देता है भाई 4000। मतलब गुटका पानी के लिए हो जाता है, मंजन वंजन करने के लिए मतलब पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ट्रैक्टर की धुलाई आप देखते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आया हूँ ट्रैक्टर धोने के लिए, और ये हमारे कुरु भाटा का तरिया है जो, तो हम इसमें ट्रैक्टर को धोने आए हैं। और करीबन मैं 4 साल से ट्रैक्टर धोने का काम करता हूं, और तनख्वाह मिल जाता है वही 4.5-5 हजार के आसपास। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि महिंद्रा 415 DI भूमि पुत्र, जिसकी धुलाई अभी पानी से धुलाई चल रही है। और हमारे जग्गू भैया जो कि ट्रैक्टर के मालिक है, वो काम में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। और यहाँ से आप सामने देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तालाब की गहराई वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। और सामने में देख सकते हैं कि वहाँ सारस पक्षी और क्या पनडुब्बी वगैरह बोलते हैं वो सब पक्षी उधर बैठे हुए हैं पेड़ में, पानी में।
दोस्तों आप क्लिनिक प्लस शैम्पू से हम गाड़ी की धुलाई शुरू करेंगे। देख सकते हैं कि 3 क्लिनिक प्लस का शैम्पू मैं लाया हूं, जो कि मोटरसाइकिल धोएंगे और अगर लास्ट में बच जाता है तो ट्रैक्टर की धुलाई भी करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी लेंगे शैम्पू को घोलने के लिए, इतना सारा पानी हो जाएगा। सबसे पहले ये पहला नंबर का शैम्पू है जिसे हम डालेंगे पानी में, ये पहला शैम्पू गया। ये दूसरा नंबर का शैम्पू डाल दिया बाल्टी में, इसके बाद ये तीसरा नंबर का शैम्पू ये मैं डाल दिया हूँ दोस्तों। अब दोस्तों इसमें शैम्पू तो मैं डाल दिया हूँ 3, अब इसको ना अच्छे से मिलाते हैं, झाग बनाते हैं, उसके बाद फिर धुलाई चालू करेंगे। ये देख सकते हैं कि झाग इसका बनना शुरू हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा झाग बन चुका है, अच्छे से पानी में मिल चुका है शैम्पू, और देख सकते हैं कि इतना सारा ये झाग बना है शैम्पू का। तो चलिए गाड़ी की धुलाई शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि शैम्पू में धुलाई करने से गाड़ी कितना जबरदस्त लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, इसका सुगंध भी बहुत बढ़िया होता है क्लिनिक प्लस शैम्पू का, या चाहे कोई भी शैम्पू। डीजल कम है भाई। बोलना किससे करते जग्गो। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा गाड़ी मतलब शैम्पू से हम लोग धुलाई लगभग कंप्लीट होने वाला है, और देख सकते हैं कि जग्गू भी थोड़ा हेल्प कर रहा है गाड़ी धुलाई करने में। उसके बाद हम लोग उसके ट्रैक्टर की धुलाई करेंगे, और इसको मतलब धुलाई करने के लिए मैं थोड़ा सा 2-4 रुपए दे दूंगा गुटका पानी खाने के लिए, फिर हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। जग्गू कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं भाई, बने चकन बचे चक्कम सब। जी हाँ दोस्तों, मेरे दोस्त हैं, कह रहा है ये उमा शंकर मेरा बचपन का दोस्त है, ये बोल रहा है बिल्कुल सही है, मैं 1 रुपये में गाड़ी धोता हूँ, और संपर्क कर सकते हैं मेरे को, और मोबाइल नंबर मेरे भाई ने बता दिया है। जी जी जी, इनका 9613 में आगे नहीं दे रहा, यही इसका मोबाइल नंबर है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, चाहे आप देश के मतलब दुनिया के कोने कहीं कहीं से भी हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, 1 रुपये में आप गाड़ी धुलवा सकते हैं, 1 रुपये अंडा वाली। आगे का गाना सुनाएंगे दुकालू यादव की स्वर में हमारे जग्गू ध्रुव। 1 रुपया वाला अंडा दिखे रानी, कुछ भी कुछ भी दबा बल्लू। उसके बाद दुकालू यादव की स्वर में सुनाएंगे एक जस गीत, झुपत झुपत आवे दाई, झुपत झुपत आवे दाई, झुपत झुपत आवे। वो मजा आया गया है इसके बेसुरे आज के लिए, जिसके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग पर बने रहिए। आप ट्रैक्टर और गाड़ी की धुलाई हम लोग कर चुके हैं, तो ट्रैक्टर और गाड़ी को हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं कि जग्गू ध्रुव अपने ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ाते हुए, और देखते हैं कि ये तो बड़ा ही हैवी ड्राइवर है, लेकिन देखते हैं कि ऊपर चढ़ा पाता है कि नहीं, कि ट्रैक्टर को बंद कर डालता है वो। तो फाइनली जग्गू ध्रुव अपने ट्रैक्टर को ऊपर में चढ़ा चुका है दोस्तों। तो आपने ट्रैक्टर को नीचे से ऊपर तक चढ़ाया, इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी हम तो सिखनिया ड्राइवर। अच्छा
हमको सिखा रहा है। अच्छा सिखनिया ड्राइवर हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने क्या किया ये नीचे करके को नीचे किया? अच्छा नीचे करने का है। हाँ। तो आपको ट्रैक्टर चलाने का कितने साल का अनुभव है? मतलब ट्रैक्टर चलाने का तो बहुत शौक है मेरा। हाँ। और मेरे बड़े भाई है जो चलाने नहीं देता। हाँ। वो बोलता है मत चला भी, बोलता बच्चा है कर। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का गाड़ी धुल के तैयार हो चुका है। ये जग्गू का ट्रैक्टर भी धुलाई हो चुका है, इधर मेरा बाइक भी हम लोग धुलाई कर चुके हैं। तो चलिए नजदीक से जाके देखते हैं कि दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा सीवी साइन 125 ठीक है किस प्रकार से एकदम न्यू ब्रांड लग रहा है। दोस्तों पहले क्या है धूल मिट्टी लगा हुआ था, जमा हुआ था, सूख गया था ना, तो थोड़ा सा गंदा लग रहा था, लेकिन अभी एकदम जबरदस्त न्यू लग रहा है, देख सकते हैं। चल दौड़ा गाड़ी। और हमारे जग्गू ध्रुव निकल चुके हैं घर जाने के लिए ट्रैक्टर की सवारी करते हुए, और बहुत ही जबरदस्त हैवी ड्राइवर। और दोस्तों हम लोग घर की ओर जाते हुए ट्रैक्टर और गाड़ी की धुलाई हम लोग कर चुके हैं, और सामने में देख सकते हैं कि जग्गू ध्रुव बहुत ही हैवी ड्राइवर की तरह ट्रैक्टर को ड्राइव करते हुए एक हाथ में ट्रैक्टर को पकड़ा हुआ है कि ट्रैक्टर कहीं न गिर जाए करके, और एक हाथ में ट्रैक्टर के हैंडल को पकड़ा हुआ है। और ये बहुत ही रास्ता जो है बहुत ही संकरा है दोस्तों, इसमें मोटरसाइकिल का आना बहुत ही आसान है, लेकिन फोर व्हीलर गाड़ी का मतलब लाना दिक्कत हो जाता है। बस यहीं पास खड़ा कर दे जग्गू।